गुड आफ्टरनून बेटे, गुड आफ्टरनून। ओके, गुड आफ्टरनून, वेलकम बेटे। यस, गुड आफ्टरनून। चलिए, हम फिफ्थ चैप्टर आपको रीड करवा रहे थे, द कीबोर्ड एंड इट्स फंक्शन पढ़ा रहे थे ना। सबने ओपन कर लिया पेज नंबर 41? ओपन कर लिया बेटे? यस, ओपन कर लो पेज नंबर 41। इसमें हम आपको कीबोर्ड के बारे में बता रहे थे। उसमें मैंने कीबोर्ड के बारे में आपको समझाया था, समझ में आ गया था बेटे? गुड आफ्टरनून बेटे, गुड आफ्टरनून। यस, पेज नंबर ओपन कर लो बेटे सब। 41, चैप्टर नंबर 5, पेज नंबर 41। यस, कुछ लिख रही हो मानसी? लिख लो बेटा, कुछ पूछना है? जब तक आप टाइप करो, थोड़ी सी रीडिंग करा लेते हैं। सब बच्चों ने ओपन कर लिए ना बेटे? चैप्टर 5, पेज नंबर 41। सबको आ गया था समझ में कीबोर्ड के बारे में? आज चैप्टर रीड करवा देते हैं। अ कीबोर्ड इज एन इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ द कंप्यूटर। इट हैज मैनी कीज ऑन इट। दीज कीज आर यूज टू टाइप लेटर्स, नंबर्स एंड सिंबल्स। कीबोर्ड एक इम्पोर्टेंट पार्ट है कंप्यूटर का, ये तो हम सब जानते हैं। बिना कीबोर्ड के आप टाइप कर पाते हो क्या? A keyboard is an important part of the computer. It has many keys on it. These keys are used to type letters, numbers, and symbols. Yes, हमने join कर लिया। A keyboard एक important part है computer का, ये तो हम सब जानते हैं। आप keyboard के बिना computer में type नहीं कर सकते, ठीक है? इसमें बहुत सारी कीज होती है। यस, चैप्टर नंबर 5, पेज नंबर 41। दोबारा से रिपीट कर रही हूँ, जो बच्चे नहीं अभी जिन्होंने ज्वाइन किया है वो ओपन कर लो चैप्टर नंबर 5, पेज नंबर 41। चैप्टर 5, चैप्टर इज नॉट क्लियर। क्या क्लियर नहीं है बेटा? अभी तो मैंने पढ़ाया ही नहीं है। क्या क्या नहीं दिख रहा आपको? दिव्यांशी, क्या पूछना चाह रही हो बेटे आप? मेरे को समझ में नहीं आ रहा, एक बार फिर टाइप करो सही से। नहीं नहीं दिव्यांशी, कुछ लिख रहे हो बेटा, कुछ पूछ रहे हो? हाँ, चैप्टर 5 ही तो स्टार्ट कर रही हूँ मैं, कर दूँ स्टार्ट? है कुछ पूछना है अभी? यस सर, कोई बच्चा थोड़ी देर में फिर पूछ। नहीं बेटा कोई बात नहीं, बस मैं तो आपसे ये पूछना चाह रही हूँ कि आप कुछ पूछ रही हो तो फिर मैं स्टार्ट करूँ, क्योंकि फिर अभी थोड़ी देर में कोई बच्चा पूछ ले रहा है मैम कौन सा चैप्टर है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं ना बेटा। कीबोर्ड में बहुत बहुत सारी कीज होती है, मैंने आपको बताया ही था। 104 कीज होती है, जिसमें अल्फाबेटिकल कीज कितनी बताई थी मैंने आपको? 26। तो ये जो बातें हैं वो आप लर्न कर लीजिएगा। कितनी कीज होती है कीबोर्ड में? 104, जिसमें से अल्फाबेट कीज कितनी होती है आपकी? 26। तो आपकी जो ये कीज है वो किस काम आती है? लेटर्स टाइप करने के। यस, वेरी गुड मानसी। लेटर्स, नंबर्स एंड सिंबल्स। सिंबल्स तो आपको पता है या नहीं है वो भी बता देंगे।
यस, अल्फाबेट कीज कौन सी होती है? ए बी सी डी टाइप करते हो ना, अभी जैसे टाइप कर रहे हो आप, जैसे यस मैम लिखा, नो मैम लिखा, दिव्यांश ने सॉरी लिखा है, हेमंत ने नो मैम लिखा है, तो किससे आप टाइप कर रहे हो? यह है आपकी अल्फाबेट कीज। अल्फाबेट कीज हैव लेटर्स ऑन देम फ्रॉम ए टू जेड, बट दे आर नॉट गिवन इन ऑर्डर। अल्फाबेट कीज आर 26 इन नंबर। We can type letters, words, sentences with the help of alphabet keys. Alphabet keys में क्या होते हैं? Letters होते हैं A से लेकर के Z तक, लेकिन ये properly आपके order से नहीं दिए गए हैं। जैसे आप A B C D लिखते हो तो properly लिखते हो ना, A B C D, लेकिन इसमें दिखती है क्या आपको? आपको ढूंढना पड़ता है, अरे 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 मैम पूछ रही है कोई क्वेश्चन, फटाफट से वाई ढूंढो वाई ढूंढो। जैसे मानसी ने लिखा, अरे वाई लिखो। मानसी आप किसका कॉपी पेस्ट भेज रहे हो बेटा? दिव्यांशी, सॉरी दिव्यांशी, आप कॉपी पेस्ट मत करो बेटे। हाँ करो टाइप, कोई बात नहीं, कुछ मत लिखो बेटा। अल्फाबेट कीज आपको क्लियरली मिल जाता है क्या? जैसे ए हमें देखना है तो बड़ी दूर से मिलता है, या ए स्टार्टिंग में मिल जाता है आपको? नहीं मिल पाता ना, तो ये ऑर्डर से नहीं हुए दिए हुए होते हैं। इसमें आप सर्च करते हो और इससे आप लेटर्स लिख सकते हो, वर्ड्स लिख सकते हो, सेंटेंस लिख सकते हो। अल्फाबेट कीज की हेल्प से आप जो भी आप लिखना चाहते हो वो आप लिख सकते हो। यस, पेज नंबर 42 पे आ जाइए। पेज नंबर 42 ओपन कर लो बेटा। ओपन कर लिया? यस, टर्न कर लो पेज। यस ओके। नंबर कीज कौन सी होती है? मैथ्स में लिखते हो ना, मैथ्स में किसका यूज करते हो? यस नंबर। यस, नंबर कीज हैव नंबर्स ऑन देम। दीज आर 10 इन नंबर, दैट इज फ्रॉम 0 to 9। वॉइस नहीं आ रही आपको? ही नहीं आ रही, ये सबको ही नहीं आ रही बेटा? इधर तो नेट स्पीड ठीक है, अब आ रही है? आ रही है मैम। भूमि आपने लेट ज्वाइन किया बेटा, आप लेट या पहले से ही थे, अभी तो मुझे आप दिखाई नहीं दे रहे थे। चलो कोई नहीं, ओपन कर लो। फिर मानसी को ही नहीं आ रही है? मानसी बाकी तो सबको आ रही है, आपको ही कैसे नहीं आ रही आवाज? चलो बाकी किस किस को नहीं आ रही, सिर्फ नो कर दो और बाकी सब यस कर दो टाइप। टाइप करो, आवाज आ रही है कि नहीं आ रही है? अरिहान टाइप कीजिए। भूमि, भुवनेश, दिव्यांशी, हेमंत, मानसी को तो नहीं आ रही, मेघना, सीमा, शालिनी, याचिका, यस सबको ही आ रही है बेटा, आपको क्यों नहीं आ रही? मानसी, देखो सबने यस टाइप किया है, अब आ रही है ना आपको? हाँ तो थोड़ी देर वेट कर लिया करो बेटा, हो सकता है कुछ नेटवर्क प्रॉब्लम आ रहा हो इसलिए। यस, नंबर कीज हैव नंबर्स ऑन देम, दीज आर 10 इन नंबर। यस बेटा क्लियर है? ओके ओके, है ना? थोड़ा मानसिक वेट कर लिया करो, क्या पता बेटा हो जाता है ना कभी कभी ऐसा। दीज आर 10 इन नंबर, दैट इज फ्रॉम 0 to 9। नंबर कीज आर प्रेजेंट अबव द अल्फाबेट कीज and are placed in order. We can type our age, roll number, house number, etc. by using these keys. Number key में आपके numbers दिए हुए हैं, जिसमें 10 number होते हैं, 10 number होते हैं, 10 तक number नहीं बोला है मैंने, सिर्फ 10 number होते हैं।
कितने से कितने लेकर के होते हैं, जीरो से लेकर के होते हैं। एक तो आपके अल्फाबेटिकल की के जस्ट ऊपर ही दिए गए हैं, एक आपके राइट साइड में है, तो उससे आप क्या टाइप कर सकते हो, अपनी एज, रोल नंबर, हाउस नंबर, कुछ भी। आप नंबर की से आप कुछ भी टाइप कर सकते हो, दिख रही है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 दिख रहे हैं सबको नंबर, नंबर दिखाई दे रहे हैं। दिखाई दे रहे हैं ना, ठीक है। द नंबर की आर आल्सो प्रेजेंट ऑन द राइट साइड ऑफ द कीबोर्ड, दिस इज कॉल्ड द न्यूमेरिक कीपैड। जैसे कि मैंने आपको बताया, राइट साइड में भी एक नंबर की होती है आपकी सारी, उसे क्या कहते हैं, न्यूमेरिक कीपैड। टाइप योर रोल नंबर आफ्टर की, द कर्सर विल मूव टू द नेक्स्ट लाइन, आवर कर्सर इज अ स्मॉल ब्लिंकिंग लाइन ऑन द स्क्रीन, नाउ टाइप योर एज। अब आप अपना रोल नंबर टाइप करोगे, रोल नंबर टाइप करने के बाद आप एंटर की प्रेस करोगे, प्रेस करने के बाद आपका कर्सर जो है वो नेक्स्ट लाइन में आ जाएगा। ब्लिंक किसको कहते हैं, आप पलक झपकाते हो ना अपनी, तो ब्लिंक करेगी आपकी कर्सर जो है वो आपका ब्लिंक करेगा, और फिर आप वहां पे अपनी एज टाइप कर देना। ठीक है, इतना समझ में आ गया? यस, अभी तक आपने क्या पढ़ा, अल्फाबेट कीज, नंबर कीज। अल्फाबेट कीज कितनी होती है आपकी, 26। नंबर की कितनी होती है आपकी, 0 to 9। एंड आपकी टोटल कीज कीबोर्ड में कितनी होती है, 104। ये लर्न करके रखिएगा, हमेशा ही आपके काम आएंगी। आपके दो न्यूमेरिक की नंबर की होते हैं, जो आपकी राइट साइड पे होता है उसे न्यूमेरिक कीपैड कहते हैं, और एक आपका अल्फाबेट की के जस्ट ऊपर ही होता है, तो ये लर्न करके रख लेना बेटा। चलिए अब स्पेशल कीज पढ़ाते हैं, क्या होती है स्पेशल कीज, चलिए बताते हैं। दीज कीज हैव डिफरेंट सिंबल्स ऑन देम, लाइक सिंबल्स दिख रहे हैं, इनको क्या कहते हैं हम, देखो प्लस माइनस मल्टीप्लाई आपके अपॉन इक्वल टू डबल डॉट, जितने भी आपके ये हैं सब क्या है, एट द रेट है, हैश है आपका, एंड की है, परसेंटेज वाली है, ब्रैकेट है, एंड की है, जो भी है क्वेश्चन मार्क है, बहुत सारी ये जो कीज है वो आपकी क्या है, सिंबल कीज है। दिख रही है, दिखाई दे रही है सबको, देखो रेड कलर में है स्पेशल, दिख रही है सबको। यस ओके बेटा, ये इसको क्या बोलते हैं, स्पेशल कीज। दीज आर सम मोर कीज ऑन द कीबोर्ड नोन एज स्पेशल कीज, कीबोर्ड में और कीज होती है उनको किस नाम से जानते हैं, स्पेशल कीज। लेट अस लर्न अबाउट देम, और आगे और पढ़ते हैं। स्पेस बार की, स्पेस बार की सबने देखी है ना, देखी हुई है सबने स्पेस बार की, स्पेस बार की इज द लॉन्गेस्ट की ऑन द कीबोर्ड। स्पेस बार की सबसे बड़ी की होती है कीबोर्ड में, मालूम है ना आप सबको, स्पेस बार की बड़ी की होती है ना, देख लो एक बार, अगर नहीं पता तो कीबोर्ड देख लो, कीबोर्ड आप पेज नंबर 41 में देख लो, देखो स्पेस बार की कितनी बड़ी है, उस दिन भी मैंने आपको समझाया था। इट इज यूज टू गिव स्पेस बिटवीन द वर्ड, वर्ड में आप स्पेस देते हैं ना, छोड़ छोड़ के लिखते हैं, जैसे एक वर्ड टाइप किया आपने, जैसे माई नेम इज जो भी आपका नाम है, वो आपने एक साथ थोड़ी लिख देते हो, बीच में माई के आगे आगे स्पेस देते हो, नेम के आगे स्पेस देते हो, ऐसे ही आप उसमें तो कॉपी में तो आप पेंसिल इरेजर का यूज करके कर सकते हो, लेकिन इसमें मॉनिटर में कैसे करोगे, कीबोर्ड का यूज करके करोगे, कीबोर्ड में कैसे करोगे, स्पेस बार की का यूज करके, आप जैसे आप इसमें अभी दे रहे हो ना, स्पेस बार की का यूज करते हो, जैसे दिव्यांशी और मानसी ने लिखा है यस मैम, तो यस के बीच में स्पेस दिया है, उसके बाद ही तो मैम लिखा है कि एक साथ ज्वाइन कर दिया, नहीं तो हमने क्या दिया है इसमें, स्पेस दिया है। जैसे आप अपना नेम टाइप करते हो, नेम एक साथ लिख दिया है क्या आपने, जैसे दिव्यांशी ने लिखा है दिव्यांशी शर्मा, एक साथ टाइप कर दिया, दिव्यांशी के बीच में स्पेस है, उसके बाद शर्मा है ना, तो आप स्पेस बार की का यूज
पता चल गया ना सबको स्पेस बार की का यूज। यस, आज हमने क्या पढ़ा? स्पेस बार की के बारे में, स्पेशल कीज, नंबर कीज, नंबर कीज, अल्फाबेट कीज। ठीक है, अल्फाबेट कीज कितनी होती है? चलिए मैं क्वेश्चन पूछती हूँ, आप सबसे जल्दी आंसर दो फटाफट। कितनी होती है कीबोर्ड में अल्फाबेट कीज? कितनी होती है अल्फाबेट कीज? यस टाइप करो। यस, वेरी गुड, वेरी गुड हेमंत बेटा। मानसी ने भी टाइप कर दिया। कितनी कीज होती है? 26। यस वेरी गुड बेटे। अच्छा नंबर की बताओ। भुवनेश आपका भी ठीक है बेटे, आंसर है भुवनेश। टाइप करो, नंबर की कितनी होती है बताओ? जल्दी फटाफट से टाइप करो नंबर की। 10 होती है, लेकिन कितने? 0 से लेकर के 9 तक, 0 to 9 लिख सकते हैं हम, क्योंकि इसमें 10 प्रॉपर 10 ही होती है, लेकिन कितने से कितने होती है? 0 to 9। यस, कीबोर्ड में कितनी कीज होती है? टोटल कीज कीबोर्ड में कितनी होती है बताओ? यस वेरी गुड हेमंत, वेरी गुड बेटे, वेरी गुड बेटा। सबका ही सही आंसर। लर्न कर लीजिएगा, नंबर की 10 होती है, 0 से लेकर के 9 तक, तो भी 10 हुई। यस, अल्फाबेट की कितनी हो गई आपकी? 26। कीबोर्ड में कितनी कीज होती है आपकी? 104। यस, आप सिंबल की मुझे टाइप करके बताइए, कौन कौन सी होती है? चलो सिंबल की टाइप करके बताओ। अभी आपको दिख रही होगी ना, आप टाइप कर रहे हो, सिंबल की दिखाई दे रही है? टाइप करो सिंबल की, टाइप कर लो, कोई सी भी, कोई सी भी सिंबल, कोई भी सिंबल टाइप कर लो। प्लस माइनस कुछ भी टाइप करो बेटे, प्लस माइनस ब्रैकेट कुछ भी आप टाइप कर सकते हो, एट द रेट मल्टीप्लाई, कोई भी सिंबल, सिंबल टाइप करना है, मैंने नंबर टाइप करने नहीं बोला है हेमंत मानसी। वेरी गुड, भुवनेश ने टाइप किया एट द रेट ना हैश। वेरी गुड बेटा, क्या टाइप कर रहे हो आप? 4। मैं तो दिव्यांशी, मानसी, हेम, ये हेमंत, क्या टाइप कर रहे हो बेटा आप? 4 तो मैंने कुछ पूछा ही नहीं है ना। वेरी गुड बेटे, सब ये सिंबल की हैं जो आप टाइप कर रहे हैं। यस, अब हेमंत ने टाइप किया है, पता नहीं आपने कहाँ से, तर आप पिक्चर से लाए हो या कहाँ से लाए हो, ये वाला प्लस साइन पता नहीं चल रहा है मुझे। दिव्यांशी बिल्कुल ठीक है, भुवनेश का भी ठीक है, सबका ही ठीक है, अभी ये सही है बेटा। चलिए किसी ने कुछ पूछना है, समझ में आ गया सबको? हाँ मानसी बिल्कुल सही है, एस्ट्रिक कहते हैं इसको, या मल्टीप्लाई, आपको जैसे सूट करे वैसे आप कह सकते हो। यस अरिहंत, अरिहंत ने डैश टाइप किया है, वेरी गुड बेटे, बिल्कुल। यानी कि आपको इतना समझ में आ गया, नंबर की समझ में आ गई आप लोगों को, अल्फाबेट की समझ में आ गई, सिंबल की समझ में आ गई। वेरी गुड बेटे दिव्यांशी, बिल्कुल ठीक है, आपने प्लस सिंबल साइन लिखा है उसमें, एट द रेट भी। यस दिव्यांशी, समझ में आ गया ना बेटा? किसी ने कुछ पूछना है? अल्फाबेट की समझ में आ गया, नंबर की समझ में आ गई,
सिंबल कीज भी समझ में आ गई है ना। चलो किसी ने कोई पूछना होगा तो पूछ लेना, किसी को समझ में नहीं आ रहा होगा तो भी आप पूछ लीजिएगा। ठीक है बेटा, बाय बाय। किसी ने कुछ पूछना है टाइप कर लो, अभी भी कुछ पूछना हो। नहीं पूछना, चलो बाय बेटा, बाय 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 बाय, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।